हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं हरबीर सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी 24 ऑफिशियल ग्रुप में। तो आज की इस वीडियो में, जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए, और इससे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे स्टडी ग्रुप का लिंक है, जिसके साथ आप ज़रूर जुड़ें। कई बार ऐसा होता है कुछ टॉपिक्स पर हम वीडियोज़ नहीं बनाते, पोस्ट के माध्यम से डायरेक्ट वहीं पर हम जानकारी दे देते हैं। और साथ में अपने इस चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके क्वेश्चंस हैं कि वैकेंसीज़ को लेके क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट में अपने जो क्वेश्चंस हैं इस वीडियो के में कमेंट कर दीजिए, ताकि हम इस पे नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी दें या स्पेशल एक वीडियो बना दें। तो अभी DSSSB का एक नोटिस आया था, हालांकि नोटिस कई दिन पुराना है, लेकिन जो चीज़ चौंकाने वाली है वो अभी हम देखते हैं। हालांकि जो नोटिस की डेट है ये 27/6/2023 है, और इसमें एक रिजल्ट आया था। रिजल्ट आप यहाँ पे जो डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट कोड सब देख सकते हैं, और यहाँ पे जो वैकेंसीज थी, टोटल 8 वैकेंसीज थी, और इसके बाद जो कट ऑफ दी गई है वो 143 है। और यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो ये क्या है कि सबसे पहले तो जो OBC कैटेगरी है, यहाँ पे जनरल की ही कट ऑफ दी गई है। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि जो कट ऑफ लगभग पहले 100 के आसपास होती थी, अब हर जगह लगभग आपको मतलब 140 प्लस कट ऑफ, मतलब यहाँ पे आपको 140 प्लस कट ऑफ देखने को मिल रही है। तो कट ऑफ आसमान छू रही है, और ऐसे में आप ये समझिए कि कंपटीशन कम नहीं है। अगर आप खासतौर पे बात करें प्राइमरी TGT PGT टीचिंग में, अगर आप जॉब चाहते हैं तो आपको कुछ ही पोस्ट को छोड़ के और सभी में बहुत कंपटीशन है। तो वैकेंसीज की वेट मत करो, पहले से ही प्रिपरेशन में लग जाओ, क्योंकि आप लोग अगर वैकेंसीज की वेट करते रहोगे तो प्रिपरेशन करने वाले प्रिपरेशन करते रहेंगे, क्योंकि पढ़ने वाले आज भी पढ़ रहे हैं, वो वैकेंसीज की वेट नहीं कर रहे, उनको ये कि नोटिफिकेशन आया तो हम तैयार हैं। और चलो, आप लोगों के माइंड में और भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।